300 करोड़ में एक्चुअली ये पुल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और 7 करोड़ की तो सिर्फ इसमें लाइटिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है भाई लोगों के, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम जा रहे हैं डोबरा चाटी, ठीक है, जिसके लिए मैं आ रखा हूँ अभी सरदार के घर के पास। अभी इसको उठाएंगे यहाँ से और दोनों भाई निकल जाएंगे भी डोबरा चाटी के लिए। ये हमारे जट जी का स्कूटर, और यहाँ देखो मेन चीज तो इधर लिखी है नो गर्ल्स ओनली बॉयज, क्योंकि ये लॉन्डो में इंटरेस्टेड है। म्यूजिक हम निकल चुके हैं अब यहाँ से डोबरा चांटी के लिए। भाई तुम्हारा ये कितना प्यारा है भाई, इतना पाल रहे ना तुम इसको, ढूंढना मत यार इधर उधर है। तो ये है रोड, ये हमारी ऑफ रोडिंग है भाई, मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग में। यहाँ आपको इतनी जगह ऑफ रोडिंग करने को मिल जाएगी कि अलग मजे है भाई यहाँ पे। ये रहा डुंडा, देख रहे पहाड़, देख रहे वादियाँ, भाई साहब जन्नत में रहते हैं अपन लोग। और ये बाइकर बिना हेलमेट के चलाते हुए यहाँ पे बाइक, ना ना भैया इनको तो अवार्ड देना चाहिए, मतलब हेलमेट क्यों उतारते हैं बंदे, मेरे को समझ में नहीं आता। ये होता है जी एक किस्म का भूत, छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। कहाँ से है रास्ता? अच्छा बाइक वालों का है, अब ऐसा तो नहीं तो कहीं भी ये रास्ता देख के घुसा रहा है, ऐसा मत करियो है। ये क्या कर रहा है? अच्छा यहाँ पे रोड टूट रखी है यार, ये देखो ये चल रही है असली ऑफ रोडिंग भाई साहब। ये है चिन्याली सौड़ का आर्क ब्रिज, ये रहा, ये देख रहे पहाड़ कितने प्यारे पहाड़ है यार, और उसी रोड पे भी हमने जाना है। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, देखते हैं वहाँ पे कौन आएगा, वो वहीं पे बताएंगे। और ये पतली रोडों का यही नेगेटिव पॉइंट रहता है कि यहाँ पे आपको साइड नहीं मिल पाती है जल्दी से, क्योंकि इतनी सी रोड है, अब बंदा कहाँ वो ही आगे वाले ही कहाँ तो डाले गाड़ी। ये देखो यार व्यू देख रहे हो, कैमरा चल रहा है मेरा भाई अल्टीमेट। और यहाँ पे हमने बाइक लगाई है और पाजी अपना कपड़े वपड़े चेंज करता हुआ यहाँ पे। अरे भाई ये मत करो यार, ये मत कर, ये मेरे बैग में डाल ले तू। ये देखो यार व्यू अल्टीमेट है यार, ये पूरा चिन्याली सॉट जहाँ जहाँ तक झील है ना, इतना प्यारा लगता है ना लिटरली। तो भाई साहब बंदे ने क्या किया, जैसे डोबरा चांटी आ रहे थे वैसे ही हमने आगे वाली सीट पकड़ ली, मतलब हमको दी गई है ये दान में। तो ये अपन लोग निकले डोबरा चांटी के लिए, भारी वाहन, बहुत भारी हमारा वाहन। तो भैया ये है डोबरा चांटी, ये देखो कैमरे में बैटरी है नहीं, और बंदे वैंगर फोटो शूट करेंगे आप देख रहे हो। चल 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 पकड़ जल्दी पकड़, अब जरा मैं इसकी फोटोज वगैरह खींचता हूँ और हेलमेट उतारता हूँ, बिकॉज मेरे सर पे हो गई बहुत ज्यादा गर्मी। और हम हैं यहाँ वादियों में, चेक करो भाई व्यू, चेक करो आप। ये हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ये देखो सर फोटो सर दिखा दिखा फोटो दिखा, ये देखो फोटो देखो क्या एपिक फोटो है यार। मैं कह रहा था एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है, तो मेरा सरप्राइज ये है, ये देखो कौन है हमारे साथ, ये कौन है हमारे साथ स्पेशली भाई दूसरी बार आ रहा है मेरे साथ व्लॉग में, एक और भाई जी हमारे साथ, ये हमारे चाचा जी। तो गाइज ये है डोबरा चांटी पुल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यार सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं इसको, जो कि जिसकी लागत है 300 करोड़। 300 करोड़ में एक्चुअली ये पुल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और 7 करोड़ की तो सिर्फ इसमें लाइटिंग है। लाइटिंग हम दिखा नहीं सकते बिकॉज ये खुलती है 6 बजे, शाम के 6 बजे लाइटिंग ऑन होती है, उसके बाद पूरी रात भर रहती है, और हमको अभी यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा तो इस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। हम एक्चुअली उस साइड भी नहीं गए हैं अभी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया हमको। और ये है यार डोबरा चांटी, विजिट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, अगर आप कहीं घूमना चाहते हो पहाड़ों में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर पे यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही है, और ये बीच में अगर दिख रहा है तो ये यहाँ पे फ्लोटिंग हाउस है, यहाँ पे आप रुक सकते हो और इस पुल के नज़ारे ले सकते हो रात को। इसका प्राइस एक्चुअली पता नहीं है, इसका प्राइस अगर मेरे को पता लगेगा तो हम पक्का बताएंगे आपको। यहाँ पे है फ्लोटिंग हाउस, और ये पूरे पहाड़ देखो वादियाँ ही वादियाँ हैं, वादियों के साथ ये पुल है यहाँ पे लगा हुआ। और ये एक्चुअली ये जो ऊपर जो वहाँ पे येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, घर दिख रहा है, वहाँ से इसका व्यू बहुत प्यारा आता है, बहुत ज़्यादा प्यारा।
वहाँ पे अभी हम जा नहीं सकते यार, यही बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि अब थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली हम निकले थे 1 बजे और यहाँ पे बज गया अभी 4, और 4 बजे और यहाँ से वापस हमको जाने में लगेंगे 3 घंटे उत्तरकाशी जाने में। तो मतलब अभी पहुंच लगा लो 4 बजे से, हम कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं पा रहे। नहीं तो यहाँ पे रुक के आपको पक्का व्यू दिखाते हैं, रात का बहुत प्यारा व्यू आता है, बहुत ज्यादा प्यारा। तो यार ये व्यू चेक कर लो यार, 300 करोड़ में बनाए हैं पूरा का पूरा ब्रिज। वारिया देख रहे हो पुल के अगल बगल यार, ये पहाड़ 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 और बीच में ये ब्रिज। और रात को जब ये चमकता होगा तो यार अलग ही कलर का लगता होगा, मतलब अलग ही अल्टीमेट व्यू लगता होगा। तो यार मैं यहाँ से फटाफट से निकल जाऊँगा अभी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया और मैं बस इसी चीज़ के लिए आया था कि ये व्यू दिखा पाऊँ आप लोगों को। वैसे ये फ़ोन पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा जितना आँखों से अच्छा लग रहा है फोन। ये एक्चुअली मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन में यार कैमरा की क्वालिटी नहीं है, बट व्यू तो आप लोगों को दिखा सकते हैं यार। इधर विजिट करने के लिए बहुत सही है, और लेकिन ये जगह रात के लिए बहुत सही है। अगर आप यहाँ पे रात में आते हो तो यार अलग ही मज़े हैं भाई, अलग ही ट्रिप आएगा। वैसे बोलते हैं ना ट्रिप 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 लग जाएगी रात में यहाँ पे आके। तो यार अब हम निकलते हैं यहाँ से, ज़रा मफलर डाल लूँ मैं अच्छे से। देखो यहाँ पे वह अनाउंसमेंट होने लग गए कि सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि पुल के ऊपर कोई वाहन खड़ा ना करें। तो अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे को। ये देखो यार पुल अल्टीमेट लगता है यार, यहाँ पे वाइड एंगल अगर मेरा कैमरा अच्छे से काम कर रहा होगा तो यार बहुत सही व्यू देना चाहिए इसको, क्योंकि व्यू इतना प्यारा है ना। 6 बजे होती है यार इसकी लाइटिंग ऑन, तो यार उतनी देर तक हम रुक नहीं सकते बिकॉज हमको जाना है उत्तरकाशी। तो यार काफ़ी दूर है उत्तरकाशी यहाँ से, होगा अभी यहाँ हमको आते हुए 3 घंटे, मतलब कम से कम 2.5 घंटा और मैक्सिमम 3 घंटा, इतने में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और जाते हुए भी इतना ही टाइम लगेगा, तो यार वहाँ पे भी टाइम से जाना है। और ये हमारा ब्रिज में दोबारा एंट्री हुआ, काफ़ी लोग घूमने आते हैं, देखो सारे के सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं जो कि डोबरा चाटी देखने आए हैं। दादी अम्मा भी देखने आई है, डोबरा चाटी को बाई बोलते हुए यहाँ पे अब हमारा यहाँ का सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि अंधेरा भी हो गया और जाते हुए भी काफ़ी टाइम लगेगा और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि यार कल तबीयत ख़राब हो जाए। अभी मैं बैग में विंड शीटर भी लेके आ रखा हूँ, वो भी पहनूंगा। बाय बाय बाय। और यहाँ से निकल पड़े हम उत्तरकाशी के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास खाने में चने, जो फ्राई चने, और ये है चिकन, और ये है रोटियां, और ये है पाजी। तो यार फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं घर, और यार अभी पहुंच रहे हैं, कितना हो रहा है। वैसे हम थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे 6 बजे के करीब, नहीं 6:30 तक हम यहाँ पे पहुंच गए थे। 4:15, 4:20 पे निकले थे हम डोबरा चांटी से, और यहाँ पहुंच रहे हैं 6:30 बजे तक। और भाई साहब रस्ते में हालत खराब हो गई, मतलब इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा, मैंने तो अभी तक ये मफलर पहन रखा था वो भी सर के ऊपर, अभी मैं दोबारा पहनने वाला हूँ। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। घर आके सबसे पहले मैंने कुत्ते घुमाए और थोड़ा दीपक वगैरह दिया, और अभी मैं बना रहा हूँ खाना। और तो यार इस व्लॉग को कर दें यहीं पे एंड, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। और भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग।